कानपुर मेरी जान, ये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, आप देख सकते हैं। जैसा कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो शहर की सुंदरता को दिखाती है, शहर में कितना काम हुआ है, शहर की साफ़ सफाई को दिखाती है, ये उन्हीं स्थानों में से एक है। आप देख सकते हैं इस तरफ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी हुई है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कलश रखा हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं एक बार। यहाँ पे कलश पे लिखा हुआ है कानपुर स्मार्ट सिटी, और सामने जो है वो लोकुश बैराज और सिंचाई विभाग कानपुर लिखा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन भर के थके हारे जितने भी कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले और पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि विद्यार्थी लोग हैं, या कोई भी हो जो अपनी दिन भर की गपशप यहीं आके करता है। आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं बोलूँगा एक बार कैमरामैन से वो इस तरफ आ जाएँ और आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ पे जो कानपुर के रहने वाले हैं उनको अच्छे से पता भी होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप राजधानी दिल्ली में आपने सिग्नेचर ब्रिज देखा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कानपुर का सिग्नेचर ब्रिज है। बिल्कुल उसी तरह से लोग यहाँ आते हैं और अपने दिन भर की जो भी मस्तियाँ होती हैं शाम को यहाँ करते हैं। अगर छुट्टी वाला दिन है तो पूरे दिन अगर आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, अगर मौसम सुहावना है तो आपको सुबह से लेकर शाम तक लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर मौसम अच्छा नहीं है, धूप है, तो खासकर आपको शाम को यहाँ पर लोग मिलेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो चौक पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, तैनात हैं, वो बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर चेकिंग जारी है, अगर कोई भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत यहाँ पर रोक कर जाँच की जाती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे ब्रिज पर, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको गंगा बैराज ब्रिज की तस्वीरें दिखाई, यहाँ से ब्रिज जो है वो समाप्त हो जाता है, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब खड़े हैं, और ऐसी तस्वीरें आपने अक्सर देखा होगा फॉरेन कंट्री में जहाँ पे लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसे लोग खड़े रहते हैं, और यहाँ भी कानपुर में भी ऐसे लोग खड़े हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए और अपडेट के लिए हमारे यानी सनराइज़ न्यूज़ के साथ बने रहें।